ये जो लिंचिंग की बातें थी तो मेरे मन में हमेशा आता था कि ये क्या, ये कहां से वो राक्षस पैदा हो जाता है कि आप किसी को मार डालते हो। तो मैं गुजरात में करीब 3-3.5 महीने रफीक कुरेशी नाम से रह रहा था, और पहले अहमदाबाद में जो कैटल ट्रेडिंग करते थे, जो बूचर्स थे, उनके साथ दोस्ती की। फिर उन्होंने ही मुझे यह नाम दिया रफीक कुरेशी, और उनके साथ फिर मैं राजस्थान से, राजस्थान में अलग अलग गांवों में और गुजरात के भी डीसा में जो इल्लीगल पशु बाजार चलते हैं, वहां से कैटल ट्रेडिंग करने का, गाय भैंस पाड़े परचेस करके गुजरात के अलग अलग स्लॉटर हाउसेस में बेचने का, तो ये मैं करता था। और ये करीब 3-3.5 महीने चल रहा था। मैं खुद 32 ट्रकों में बैठ के अलग अलग दिनों पर मैंने ट्रैवल किया, और बीच रास्ते में किस तरह से बजरंग दल एक्सटॉर्शन करता है। गाय का ट्रक अगर आपको लाना है तो 14.5-15 हजार रुपए आपको देने पड़ते हैं, भैंस का ट्रक लाना है तो 6,500 देने पड़ते हैं, पहाड़ों का ट्रक अगर ला रहे हो तो 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। और वो पालनपुर में चौधरी नाम के है बजरंग दल के, वो ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं। मैं 30-32 ट्रक लाया था, और उस दौरान मैं एक बार उनके पास भी गया उनको मिलने के लिए कि मुझे धंधा बढ़ाने का है, आप थोड़ा सा पैसा कम करो। और मैं बाकायदा स्कल कैप पहन के और पठानी ड्रेसेस वगैरह वो पहन के ही मैं घूमता था, रहता था। तो मैं उनके पास चला गया कि आप थोड़ा सा आपका फीस कम करो, मेरे को धंधा बढ़ाने का है। तो बोले कितना करेगा? तो मैं बोला मैं रोज 40 ट्रक लेके आऊंगा और मुझे बंबई तक लेके जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं मेरी जिम्मेदारी गुजरात तक ही है, आपको अगर बंबई लेके जाना है तो बलसाड़ में बाबूभाई देसाई नाम के दूसरा एक शख्स है हमारा, उसको महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, उसका रेट अलग है, मेरा बलसाड़ तक का जिम्मेदारी है तो वो आपको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको पूछा कि, और उनका एक रूल है कि चमड़ा उनको देना पड़ता है, मतलब जानवर काटने के बाद।